हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी में आप तो 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। क्लास 3 के बच्चे ध्यान देंगे, आपका आज हिंदी ग्रामर आप मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 है और शीर्षक का नेम है ध्वनि, भाषा व व्याकरण। इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं? तो जो आवाज हमारे मुंह से निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, इसको ध्वनि कहते हैं। तो मुंह से जो आवाज निकाली जाती है उसे ध्वनि कहते हैं। यहाँ ध्वनि के बारे में आप समझ गए। फिर यहाँ देखिए भाषा, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को सुनते हैं, वही साधन भाषा कहलाती है। आप आगे देखेंगे, भाषा के दो भेद होते हैं बच्चों। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक भाषा को बोलकर कहा जाता है और लिखित भाषा को लिखकर कहा जाता है। अब यहाँ परिभाषा आप देखेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो जो बात हम बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जो बात हम लिख कर दूसरे को बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आप समझ गए मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है। यानी जो बात हम बोल कर बताते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं और जो बात हम लिख कर बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आगे देखिए व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हम यहाँ ध्यान से सुनेंगे। मैं व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है या वह विद्या है जिसको पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। बिना व्याकरण का हम शुद्ध शुद्ध नहीं लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं और शुद्ध शुद्ध नहीं बोल सकते हैं। इसलिए व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों को बताता है, बोलने का ढंग सिखलाता है, समझने का ढंग सिखलाता है। तो यह जो है, इसको पढ़ने से हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आगे जो भी प्रश्न होता है चैप्टर 1 का, वो पीडीएफ के द्वारा आप लोगों के पास जा चुका है। अगर नहीं गया होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। आप अपने फेयर कॉपी में सुंदर से लिखते हुए उसे याद करेंगे और अपने घर में सुरक्षित रहते हुए हमेशा हाथ का सैनिटाइजर करते हुए और आप अपने घर में पढ़ाई जारी रखेंगे ताकि स्कूल खुलने पर आपका एग्जाम हो और आपका मूल्यांकन सही ढंग से हो सके। धन्यवाद बच्चों।